This conference will now be recorded. Guys, you have a project like suppose karo project and projects in the way, deploy the web server in a cloud. You what to deploy Web server deploy क्लाउड पे एंड अब क्या है एन नंबर ऑफ क्लाउड सर्विस अवेलेबल यू कैन डिप्लॉय इन ईडब्ल्यू एस तो आपके पास काफी सारे क्लाउड हैं है कस्टमर को ये नहीं पता कि कौन से क्लाउड पे डिप्लॉय करना है इट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना होगा कि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है तो किस क्लाउड पे करना है

कहां पे डिप्लॉय करना है किस लोकेशन पे डिप्लॉय करना है सपोज करो इट गिव यू यू कैन डिप्लॉय इन अ मुंबई रीज़न गॉट इट तो आपको सबसे पहले क्या पता लग गया पॉइंट नंबर वन यूज एडब्ल्यू एस क्लाउड मुंबई रीजन यानी कि आपको ए डब्ल्यू एस क्लाउड पे डिप्लॉय करना है और किस रीजन में मुंबई रीजन में अब कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो है डिप्लॉय दर्वर इन क्लाउड यानी कि वेबसाइट आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कस्टमर से पूछेंगे कि सर कैन डिप्लॉय अ वेबसाइट इन अ सिंगल सर्वर एंड सिंगल जोन की आपको जो सिंगल uh, सर्वर और सिंगल जोन में डिप्लॉय करना है या मल्टी सर्वर सिंगल जोन और मल्टी जोन विद लोड बैलेंसर। गॉट माई पॉइंट ये नेक्स्ट आपको पूछना होगा कि आपको मल्टी सर्वर्स लगाने हैं सर सिंगल जोन में लगाने हैं या मल्टी जोन में डिप्लॉयमेंट करना है वो आप बताइए या वो तीसरा और एक और ऑप्शन पूछता है कि यू कैन डिप्लॉय मल्टी सर्वर्स आइजर ए सिंगल जोन मल्टी सर्वर सिंगल जोन और मल्टी जोन विद लोड बैलेंसर विद ऑटो स्केलिंग फिफ्टी थ्री तो दीज आर द टॉपिक्स कि अब आपको यह बताना पड़ेगा तो कस्टमर आपसे पूछेगा कि मल्टी सिंगल जोन का मतलब क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल जोन क्या डिफरेंसेस हैं और लाइक अ मल्टी जोन विद लोड बैलेंसर में क्या डिफरेंस है ये सारे डिफरेंसेस आपको क्या करने पड़ेंगे बताने पड़ेंगे गॉट इन माई पॉइंट एवरी वन क्लियर कंपनी आज यू कैन डिप्लॉय अवर विद मल्टी सर्वर इन मल्टीजोन तो कहता है आप एक काम करिए हमारे जो सर्वर्स हैं मल्टी सर्वर मल्टी जोन डिप्लॉय करिए या आइजर वो कहता है कि विद लोड बैलेंसर डिप्लॉय करिए तो so, सेम कॉन्सेप्ट है गाइस तो so, ये आपके पास ऑप्शन है नाउ आई एम यूजिंग आई एम डिप्लॉय सर्वर विद लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग आप ऐड करना सकते हो कर लेना मैं ऑटो स्केलिंग ऐड नहीं कर रहा कॉन्सेप्ट सेम ही है Fine. तो आ, तो अब आपका आता है कि अब आपको अगर लोड बैलेंसर के साथ करना है तो आप क्या करेंगे इन अ मुंबई रीजन सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपना इट तो पॉइंट नंबर वन आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे अब डिप्लॉयमेंट की बात आ रही है जब आप इसको अब आप आपको उसने सारी चीजें बता दी है अब जब आप डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉय करने के लिए पहला पॉइंट आपका आएगा सिलेक्ट रीजन पॉइंट नंबर वन रीजन पहले आपको सिलेक्ट रीजन करना है पॉइंट नंबर टू पे आपको क्रिएट करना है अपना वीपीसी आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा दिस इज पॉइंट नंबर टू बट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं डिफॉल्ट चॉइस इज योर कि आप डिफॉल्ट करिए अपना क्रिएट कर लीजिए पॉइंट नंबर थर्ड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप आपको सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा यानी कि जो भी वेब सर्वर से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स है एसटीटी पी एस टी प्रोटोकॉल्स वगैरह सब सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलाउ करने पड़ेंगे पॉइंट नंबर फोर क्रिएट की पेयर आइर कि आप लीनेक्स कर रहे हैं सो डॉट पीपी के एक्सटेंशन की पेयर डिप्लॉय करेंगे और अगर आप विंडोज कर रहे हैं सो डॉट पैम कंफिगर करेंगे लाइक फाइव इज क्रिएट लोड बैलेंसर आपको लोड बैलेंसर भी डिप्लॉय करना है अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है क्या डिप्लॉय द वेबसाइट इन स्टोरेज क्या स्टोरेज से भी अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं जो मैंने आपको कल बताया था बट कंसर्न आता है कि आप कहते हो कि कंपनी कहती है कि बट मेरा कंसर्न ये है कि आप मेरी वेबसाइट तो क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहे हो बट मेरी जो वेबसाइट है वो मेरे डोमेन नेम से एक्सेस होनी चाहिए लाइक कि मेरा जो डोमेन नेम है इज लुक लाइक का द माई डोमेन नेम इज लाइक एक्स वाई जेड डॉट कॉम मेरी जो वेबसाइट है वो मेरे इस डोमेन नेम से एक्सेसिबल होनी चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ नाउ द पॉइंट नंबर सिक्स कॉन्फिगर Root 53. So guys, Root 53 is DNS. So, आज का जो टॉपिक हमारा वो DNS ही है। उससे पहले हमें ये सारे काम करने होंगे। तभी आपको एक्चुअली में DNS आएगा तो so नाउ मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे पहला एक सिंगल सर्वर पे भी वेबसाइट डिप्लॉय करने वाला हूँ दूसरा आई एम जस्ट वेबसाइट थ्रू मल्टी सर्वर्स तीसरा आई एम वेबसाइट इन स्टोरेज तीन तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है मैं तीनों तरीके से आपको वेब सर्वर डिप्लॉय करके दिखा रहा हूँ अगेन द पॉइंट वन बट बिफोर डिप्लॉय की लाइक अगर मैं सिंगल सर्वर से करता हूँ और इस सर्वर पे जो भी सर्वर का आईपी होगा लाइक like, सपोज uh, करो दईपीज वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन सो आप वेबसाइट वन डॉट वन से ही करोगे अगर आप यहां पे क्या करते हो मल्टी सर्वर करते हो तो मल्टी सर्वर के केस में क्या होगा कि योर सर्वर्स आर अटैच विद अ लोड बैलेंसर आपके सर्वर एक लोड बैलेंसर के साथ अटैच होंगे बहुत सारे सर्वर आर अटैच विद लोड बैलेंसर एंड देन आपका एक लोड बैलेंसर का अपना एक यूआरएल होता है लाइक like अ http कोलम लाइक अ lb. xyz.com करके एक आपका आपका लोड बैलेंसर का यूआरएल होगा उससे या फिर आप देखते देख हो बकेट तो स्टैटिक बकेट्स का भी अपना एक खुद का यूआरएल होता है तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिप्लॉय दिस थ्री सर्विसेज इन क्लाउड उसके बाद मैं क्या करूंगा रूट 53 को इंट्रोड्यूस करूंगा सो आई एम जस्ट गो टू क्या ऑटो स्केलिंग करूंगा तब करूंगा वो सब आपके ऊपर है ना आप कोई भी लोड बैलेंसर बनाइए चॉइस इज योर मेरा काम रूट फिफ्टी थ्री बनाना छोड़े ना मैं दोबारा सारी चीज तो so नाउ गाइस सबसे पहले मैं जाता हूं कि अगर आप स्टोरेज के थ्रू वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना आपको बकेट उसी नाम से बनानी होगी जिस नाम से आपका डोमेन होगा तो यू कैन बाय डोमेन आईदर गोडेडी और वट आप कहीं से भी डोमेन बाय कर सकते हो तो नाउ गाइज मैंने यहाँ पे एक डोमेन लिया हुआ है विद गोइन फ्री नोम तो ये फ्री नॉम पे अगर आप अपना अकाउंट बना सकते हो तो यहाँ से आप फ्री में डोमेन बाय कर सकते हो फोर थ्री मंथ सो मैं देख लेता हूं कि मेरा जो डोमेन यहां पर हो रखा है वो किस नाम से बाय करा हुआ है मैंने आईसीसीपी इंडिया डॉट टीके और आईसीसीपी इन्फो इंडिया डॉट टीके तो नाउ द आईसीसीपी इंडिया डॉट टी के नाम से मेरा डोमेन है तो नाउ आई एम क्रिएट अ बकेट विद द सेम नेम, क्रिएट अ बकेट आईसीपी आई एन डी आई ए इंडिया डॉट टी के जिस नाम से मैंने डोमेन खरीदा है इन विच लोकेशन मुंबई लोकेशन पब्लिक एक्सेस मैं अलाउ कर रहा हूं वर्जनिंग इनेबल कर रहा हूं गाइस

आईसीपी इन्फोटेक एंड चेक एवेबिलिटी तो सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए और उसी से ही सारे काम होंगे सो आई एम जस्ट चेक द एवेबिलिटी इन्फोटेक इन्फोटेक आई एन कर देते हैं So, iccpinfotech.tk is available. ML, iccp Iccpinfotech.ml. So, I'm just get it now and check out. So, iccp info Direct, three months is continue.

एंड गिव दी डॉट एस टी एम एल एंड और अभी मैं अगर इस यू आर एल से एक्सेस करता हूँ अपनी वेबसाइट को देखिये इतना बड़ा यू आर एल है बट मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट आईसीसीपी इन्फोटेक डॉट एम एल से लॉग इन होना चाहिए ना कि इतने बड़े यू आर एल से मैं अभी फिलहाल यहाँ पे पेस्ट करता हूं तो मेरी जो वेबसाइट है वो वर्किंग नहीं होगी क्यों क्योंकि मैंने अभी कोई वेब पेज अपलोड ही नहीं करा सो ना आई एम जस्ट अपलोड द वेब पेज सो आई एम जस्ट गो टू अपलोड द वेबसाइट सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अपलोड ये टॉपिक हमने कल भी करा है एड फोल्डर एंड सिलेक्ट द वेबसाइट सो इज इट Website is Cafe Sari website and now I'm just using this one and JS folder. And now add the file. एंड नाउ अपलोड और गैस इस फाइल को मैंने यानी कि इस को मैंने क्या कर दिया अपलोड कर दिया अपने स्टोरेज अकाउंट पे एंड मेक अ पब्लिक क्योंकि मैं जब तक मैं इनको पब्लिक राइट नहीं दूंगा तो ये मेरी वेबसाइट पब्लिश भी नहीं होगी तो so, गैस सेम टॉपिक है जो हमने कल भी रिपीट करा था आज भी मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लोज एंडक्ट दाइल्स

दिस इज अ वन वे यू कैन डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड या तो आप स्टोरेज के थ्रू पब्लिश कर दीजिए या दूसरा आप सर्वर के थ्रू कर दीजिए हाउ टू वेबसाइट थ्रू अ सर्वर इज सिंपली आई एम जस्ट गो टू सिंप्ली टूसी वन वर्चुअल सर्वर आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ लॉन्च इन्स एंड देन सिलेक्ट अर्वर ट्वेंटी ट्वेल्व Microsoft Windows Server I'm using and the one CPU and one Zb DAM and then default VPC I'm using and like I enable the public IP next and 30 GB is free space. Next and check to name is like web one and John 1 and now the next select the existing security group or either you create a new one so choice is your so either i'm create a new security group is like a web hyphen sg and i put the password is all traffic currently i'm just allowed the all traffic or anywhere review and launch and select the key pair same as i'm create a one more server in launch instance in server 2012

तो सिंगल जोन बनाना है तो आप दोनों सर्वर्स को एक ही जोन में रख दीजिए बट अगर हमें मल्टी जोन बनाना है तो हम डिप्लॉय सर्वर इन टू तो डिफरेंट जोन मतलब सिक्योरिटी ग्रुप हम सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप एंड रिव्यू एंड लॉन्च एंड सिलेक्ट द की And now I'm just logging with the servers. Click, then click on connect, then RDP, then get password, browse. Decrypt password and copy the password, download the remote desktop session. And then, okay. So, okay, guys, this is my first server, is web one. Now, I'm just logging with web two also. Web two.

So this is my web one and uh, web one day. I'm just install the IAS service. And now install. Same as I am just login with the web too. After login, install the web server services in the system also. now go to the web one and uh, in c drive you know key one directory is created with the name of inetpub or inside the inetpub the my web page is available so this is uh, my web page i'm just give the name of this web page is uh, web one web one tower so this is my web one server is ready to use and then close it then same as i am just ready to web server 2 i'm just go to the web server 2 and install the iis service Này. Then go to the C drive and give the name of web server 2 of this web page. दो वेब सर्वर में मेरे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं नाउ अगर आप इन वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं सो यू कैन जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी ऑफ वन बाय एंड जस्ट कॉपी द वेब सर्वन पब्लिक आईपी बट यहाँ पर अभी ये किससे यूज हो रही है एक्सेस हो रही है आईपी से एक्सेस हो रही है बट मैं आईपी से नहीं मैं तो नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट वे है कि आप स्टोरेज के थ्रू अपना डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो या सर्वर्स uh, के थ्रू डिप्लॉय करना चाहते हो वेबसाइट देर द मल्टीपल वे टू डिप्लॉय द वेबसाइट Now, so you can see the is a is a this URL

So I'm just go to the portal and then click on load balancer. And yes, sorry, topics so I'm already पहले Portuguese guys. Again, I repeat कर And create a load balancer. Hmm? Oh, change Create and give the name is like uh, my LB one. And I'm create a uh, Advanced VPC configuration. The my server in deploying john A and John B. Next, I'm select the security group. Then next. Next health check and my website is deploying slash slash is root. The slash comma the root. Next, e c2. These two servers are available. I'm attached this server in.

तो गाइस अब यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है कि मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी वेबसाइट है ये अभी जो ओपन हो रही है ये किस नाम से ओपन हो रही है इट्स ओपन विद द दिस नेम गॉट इट मैं चाहता हूं ये मेरी इस नाम से ओपन ना हो के ये किस नाम से ओपन हो इट्स ओपन विद आईसीसीपी इंफोटेक टेक डॉट एमएल के नाम से तो so, यहाँ पर क्या है ये भी मेरा एक नेम है ये जो ग्रीन कलर वाला है दिस इज माय आल्सो इज नेम और ये जो ब्लू कलर वाला जो मैंने नाम दिया है दूसरा इसका ये भी मेरा क्या है नेम है तो जब भी हम नेम टू नेम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे इलियास रिकॉर्ड इन रूट फिफ्टी थ्री हम कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे इलियास रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे जब भी हम क्या कन्वर्ट करते हैं नेम टू नेम कन्वर्ट करेंगे रिकॉर्ड so कन्वर्ट करेंगे। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज कि मेरा एक वेब सर्वर है जो कि मेरा एक्सेस हो रहा है इस पर्टिकुलर आईपी से इट मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा वेब सर्वर है दिस आईपी तो मेरा ये वेब सर्वर है इट्स एक्सेस थ्रू विद ने यूएस डॉट आईसीपी इम एल मैं चाहता हूं इस नाम से एक्सेस हो कडेट तो यूएस डॉट आईसीपी इन्फोटेक डॉट एम एल का मतलब है कि यहां पर तो है आपका आईपी और आईपी से आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं आईपी टू नेम आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं आईपी टू नेम कन्वर्ट करना चाहते हैं कि आपके वेबसाइट आईपी से एक्सेस ना हो गया किससे एक्सेस हो नेम से तो उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा होस्ट रिकॉर्ड क्या क्रिएट करना पड़ेगा होस्ट रिकॉर्ड इन क्रिएट होस्ट रिकॉर्ड इन रूट फिफ्टी थ्री रूट फिफ्टी थ्री सेम एस मेरा एक और सर्वर है दिस वन तो ये भी किससे एक्सेस हो रहा है आईपी से तो so, इसके लिए भी क्या क्रिएट होगा सेम एस कि ये भी नाम से ही एक्सेस हो रहा है आईपी है और ये भी मेरे को किससे नाम करना है लाइक like, मैं चाहता हूं कि ये जो वेबसाइट है ये मेरी किससे एक्सेस हो यूके डॉट आईसीपी इन्फोटेक डॉट एम के नाम से लाइक like, अब मैं एक बात और करता हूं मैंने एक और अभी कॉन्सेप्ट क्रिएट करा है लोड बैलेंसर वाला तो लोड बैलेंसर के अंदर भी मेरी जो वेबसाइट है वो एक नाम से एक्सेस हो रही है अगर आपको पता हो तो दिस इज यस और नो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा ट्रैफिक अब वन पे जाएगा या टू पे जाएगा सर्च तो चेक कि द माय ट्रैफिक इज मूव फॉर विच इट फॉरवर्ड माय ट्रैफिक इन सर्वर टू यानी कि यहां पे भी इस नाम से है मैं नहीं चाहता कि मेरी जो वेबसाइट है इस नाम से एक्सेस हो मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है ये नेमिंग जो कन्वर्जन में कर रहा हूं लोड बैलेंसर वाला मैं चाहता हूं कि मेरा ये नेम टू नेम करना चाहता हूं आई एन डी आई इंडिया डॉट आई सी सी पी इनफोटेक डॉट एम एल नाम से एक्सेस हो या आधर आप एक ही वेबसाइट के मल्टीपल नेम भी रख सकते हैं लाइक like, कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये सर्वर है मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक्सेस हो किस नाम से ये मेरा एक्सेस हो लाइक का कि यूएस डॉट डॉट के नाम से भी एक्सेस हो और लाइक का तरुण तरुण डॉट डॉट एम एल नाम से भी एक्सेस हो आप एक ही वेबसाइट के मल्टीपल नेमिंग भी कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट नाम से आप एक ही वेबसाइट को ओपन करा सकते हो लाइक like मैं इसको चाहता हूँ तो लाइक like मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नाम हो डी एल आई पी दिलीप डॉट iccp इन्फोटेक्ट तो so आप एक ही वेबसाइट को मल्टीपल नेम से भी एक्सेस करा सकते हैं तो नाउ इज सिनेरियो के अंदर आपको कॉन्फिगर करना पड़ेगा रूट 53 और रूट 53 का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले यू कैन बाय द डोमेन बाय द डोमेन तो पहले आपको डोमेन बाय करना है तो मैंने ऑलरेडी डोमेन बाइप कर लिया विद ऑफ आईसीपी इन्फोटेक डॉट एमएल गोट इट नाउ आपको क्या करना है रजिस्टर डोमेन इन एडब्ल्यू एस रूट फिफ्टी थ्री आपको इस डोमेन को क्या करना पड़ेगा रजिस्टर विद एडब्ल्यू एस रूट फिफ्टी थ्री आपको इस डोमेन को ए डब्ल्यू एस के रूट फिफ्टी थ्री के अंदर क्या करना पड़ेगा रजिस्टर्ड करना पड़ेगा तो नाउ आई एम जस्ट गो टू ए डब्ल्यू एस रूट फिफ्टी थ्री सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इसी टू एंड देन क्लिक ऑन रूट फिफ्टी थ्री एंड आप चाहो तो डोमेन यहां so, से भी खरीद सकते हो बट ये पेडेबल है या फ्री नॉर्म से हो सकता है नाउ क्रिएट होस्टेड जॉन तो आईम जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट होस्टेड जॉन डोमेन नेम आई एम जस्ट बाय द डोमेन विद द विच नेम आई एम आईसीपी इन्फोटेक Now this is my public domain or private domain. This is my public domain. main chahta hu ki worldwide meri ye website access ho Private ka matlab hai within a lane hi hoga so this is my public domain and create hosted zone. जब हम hosted zone create कर देंगे तो give me the name server. ये मेरे को चार name server name दे रहा है। ये name servers कि after जब ये add on हो जाएगा तो उसके बाद ये मेरे को देगा name server, NS record इसको हम बोलते हैं। नेम सर्वर रिकॉर्ड। अब आपको क्या करना पड़ेगा ये नेम सर्वर रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ेंगे वहाँ पर जहां से आपने डोमेन लिया है। यू कैन अपडेट नेम सर्वर इन गो अगर आपने गो से बाय कराए तो ये चारों के चारों नेम सर्वर आपको गो के पोर्टल पे जाके अपडेट करने पड़ेंगे तब जाके वो आपको डोमेन के राइट ट्रांसफर करेगा तो so नाउ मैं क्या करता हूं मैंने जो अपना डोमेन लिया है मैंने तो फ्री नाम से लिया हुआ है गॉट इट सो एम जस्ट क्लिक ऑन आईसीपी इन्फोटेक डॉट एम एल मैनेज डोमेन

and paste और ये चारों नेम सर्वर्स मैंने क्या कर दिए एंड पेस्ट एंड चेंज नेम सर्वर मैंने चारों नेम सर्वर्स अपडेट कर दिए जहाँ से भी मैंने डोमेन खरीदे हैं इज इट क्लियर गाइज एवरी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर yes, है yes, कुल मिला के गाइज क्लाउड में पढ़ना पड़ेगा क्यों लग रहा है ना कि ये वो रट्टा नहीं है जो इसको एक बार देख के आप बोल दो कि इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा नाउ गई द नेक्स्ट ऑप्शन की मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो गया नाउ आई एम क्रिएट रिकॉर्ड अब मेरे को कौन से सर्वर को किस नाम से एक्सेस करना है तो आई एम जस्ट गो टू रूट फिफ्टी थ्री और क्रिएट करूंगा रिकॉर्ड क्रिएट रिकॉर्ड तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इलियास रिकॉर्ड और इलियास रिकॉर्ड में मैं इलिया रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ आईसीसीपी इन्फोटेक डॉट एम एल के नाम से ही एस थ्री स्टोरेज एस थ्री वेबसाइट हमने बनाई हुई है किस लोकेशन पे बनाई है मुंबई में वो ऑटोमेटिकली दे यहां एक लोड बैलेंसर भी है वो भी नेम टू नेम हो रहा है इलियास में ले लेता हूं इस बार वो लोड बैलेंसर है मेरा किस लोकेशन पे बनाया है मुंबई रीजन पे नेम ये देखें यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लोड बैलेंसर है इंडिया डॉट आईसी इंफोटेक डॉट एम के नाम से ओपन हो तो so, मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया इंडिया नाउ क्रिएट रिकॉर्ड मेरा एक सर्वर भी है दो सर्वर्स भी है मैं चाहता हूँ मेरे सर्वर भी अलग अलग तो क्रिएट रिकॉर्ड और सर्वर के लिए मुझे बनाना है कौन सा रिकॉर्ड होस्ट रिकॉर्ड तो ए रिकॉर्ड का मतलब होता है होस्ट रिकॉर्ड मैं चाहता हूं कि ये मेरा ओपन हो किस नाम से यूएस तो व्हाट इज द आईपी ये मेरा आईपी है इसका वेब वन का आई थिंक तो यही आईपी है और मैंने यहां पे आके इस आईपी को एड ऑन कर दिया एंड क्रिएट रिकॉर्ड एक और मेरा सर्वर है This one. भाई, ही है क्या दोनों पे अच्छा मैंने लोड बैलेंसर से अटैच कर दिया ना वेट 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 मेरे को पोर्टल पे जाना होगा गाइस मैंने कहा लोड बैलेंसर से कर दिया तो वो लोड बैलेंसर वाला आई पी आपको दिखाएगा सर्वर पे बट अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं सो यू कैन गो टू दी टू एंड नाउ द वेब सर्वर वन आई पी इज दिस वन और वेब सर्वर टू आई पी लोड बैलेंसर से अटैच हो गए ना दिस वन तो दिस इज द वैब सर्वर टू आईपी 37174 so I'm just click and root 53 and create record and like I'm just name is UK and paste and create record. Or guys, अब देखिए, अब मैं वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ one by one. I'm just go to the incognito window. और आप लोग भी अपने मोबाइल पे आप नाम से एक्सेस कर सकते हो लाइक आईसीसीपी इन्फोटैक टी सी एस डॉट एम एल आप सर्च करिए तो आप देखिए आपकी वही वेबसाइट पब्लिश होगी जो मेरी स्टोरेज अकाउंट से आ रही थी लाइक यूएस डॉट आई सी सी पी डॉट एम एल तो यूएस डॉट इन्फोटेक डॉट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सर्वर वन या सर्वर टू आएगा दिस इज अ सर्वर वन अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक अ US. ICCP आई सी इन्फोटेक तो इज इट नेम इज यूके नॉट इन यूएस इज इट नेम इज यूके तो एक में UK दोट 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 ML. पे अगर मैं खाली ये कर रहा हूँ आईसीसी पे इन्टेक्टल तो मेरी तो यानी ये वाली वेबसाइट मेरे कहां से डिप्लॉय हो रही है स्टोरेज से बट यहाँ पे कहीं भी मेरा ना बैकबोन नहीं है यूएस और यूके वाली पे मेरा बैकबोन नहीं है क्यों क्योंकि ये single direct traffic मेरे सर्वर पे जा रहा है तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ दिल्ली दिल्ली डॉट आईसीपी इन्फोटेक डॉट एम एल यहाँ पे देखिए अगर आप लोग सभी ओपन करिए तो किसी के पास सर्वर वन ओपन होगा किसी के पास सर्वर टू तो मेरे पास दिल्ली डॉट आईसीपी डॉट एम एल यही नाम था या कोई और नाम था यार नहीं मैंने लोड बैलेंसर करा तो था पर इंडिया, इंडिया इंडिया था तो गैस, आप सर्च करिए इंडिया को सब लोग डॉट आई सी सी पी एस टेक डॉट एम एल तो -te so आप देखिए किसी के पास टू पे रिक्वेस्ट जाएगी किसी के पास वन पे जाएगी क्यों क्योंकि ये जो है मेरे लोड बैलेंसर से अटैच है तो आपके पास क्या ओपन हो रहा है मेरे पास हो किसके पास हो रहा है तरुण आपके पास टू ओपन हो रहा है जी नाउ गाइस अगर देखिए मैं वेब सर्वर वन को टर्मिनेट करता हूं आई एम जस्ट गो टू वेब सर्वर को मैं यहां पे क्या कर देता हूं टर्मिनेट तो अब लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली मेरी रिक्वेस्ट को कहां पर भेज देगा टू पे बट यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रैफिक ये वाली वेबसाइट आपकी चलनी बंद हो जाएगी यहाँ पर कौन सी वाली ये जो ओपन हो रही है यूएस वाली चलनी बंद हो जाएगी क्यों क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा था मेरा वेब वन पर तो वेब वन पर मेरा ये डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा था तो यूएस वाली वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी बट इंडिया वाली में मैंने क्या दे रखा था बैकबोन दे रखा है इंडिया वाली में मैंने क्या एलोकेट करा रखा है बैकबोन ट्रैफिक एलोकेट करा रखा है तो नाउ आई एन डी आई ए इंडिया डॉट आई सीसीपी इन फोर So, यहाँ पे देखिए वेब सर्वर टू अब ओपन आएगा क्योंकि वेब सर्वर वन को मैंने डाउन कर दिया अभी भी यार कुकी हूँ टर्मिनेट हुआ है या नहीं हुआ अभी नहीं यार टर्मिनेट तो हो गया, गया। कुकी सेव होंगे आप दोबारा से करिए जस्ट ओपन इन न्यू इन विंडो

ट कर देगा तो द रूट फिफ्टी थ्री का फायदा है कि आप नेम से अगर कोई भी चीज एक्सेस करना चाहते हो तो यू यूज सूट फिफ्टी थ्री तो आज हमने ये भी पढ़ लिया वेब सर्वर्स कैसे बनाते हैं एंड लोड बैलेंसर किस तरीके से क्रिएट करते हैं पहले भी हम कर चुके थे दोबारा हमने एक बार और कर लिया यहाँ पे लोड बैलेंसर वाला लैब एंड

तो पहले आपको और रिकॉर्ड डिलीट करते हुए ध्यान रखना एनएस रिकॉर्ड और एसओ रिकॉर्ड ये दो डिलीट नहीं होंगे ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बनते हैं एंड नाउ क्लिक डिलीट सो थैंक यू एंड इनफ फॉर टूडे कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक